हेलो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हियवथा। हियवथा इसमें एक बॉय का नाम है, तो पहले थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं कि वो बॉय है कौन। हियवथा वॉज ए यंग रेड इंडियन बॉय। हियवथा क्या था? एक इंडियन बॉय था। ही लिव्ड विद हिज ओल्ड ग्रैंड मदर नोको मिस इन अ विगवैम। विगवैम एक जगह का नाम है। तो वो अपनी ओल्ड ग्रैंड मदर नोको मिस, जिनका नाम था, उनके संग रहता था। नोकोमिस टॉट हियवथा अबाउट द वंडर्स अराउंड देम। उसकी ग्रैंड मदर नोकोमिस ने ही उसे बताया था कि आपके आसपास बहुत वंडर्स, बहुत आश्चर्य हैं, मतलब आसपास बहुत अलग तरह की दुनिया है। शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द इंसेक्ट, द बर्ड, द एनिमल एंड द मैनी अदर थिंग। उन्होंने उसके किस किस बारे में बताया था? उन्होंने स्टार्स के बारे में, ट्रीज़ के बारे में, इंसेक्ट के बारे में, बर्ड, एनिमल एंड और अदर थिंग्स के बारे में जो उनके आसपास एग्जिस्ट करती है, उनके बारे में बताया था। तो हियवथा ग्रो अप टू लव दैम ऑल। ही कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड द एनिमल्स एंड दे टू हिम। तो हियवथा को तो बड़ा अच्छा लगता था वो सुनना, और वो उन लोगों को बहुत पसंद भी करने लगा था जिनके बारे में उसकी दादी बताती थी। तो अब क्या हुआ था एक बार कि वो अपने बर्ड से बातें भी करता था, एनिमल से भी बातें करता था, और वे भी इससे बातें कर लेते थे। ठीक है, तो इसके बारे में ही पोएम है कि वो उनसे क्या बातें करता था और वो उससे क्या बातें करते थे। इसका एक छोटा सा आपको पार्ट दिया गया है। देन द लिटिल हियवथा लर्न ऑफ एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज, लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, हाउ दे बिल्ड देयर नेक्स्ट इन समर्स, वर दे हिट देम सेल्स इन विंटर, टॉक विद देम व्हेन एवर ही मीट देम, फॉल्ड देम हियवथा'स चिकन। तो एक जो लिटिल हियवथा था वो हर बर्ड की लैंग्वेज को समझ गया था, लर्न देयर नेम एंड ऑल देयर सीक्रेट, उनके नाम और उनके जो भी सीक्रेट थे वो उन्हें पता चल गए थे। हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर, इस गर्मियों में वो अपना कैसे घोंसला बनाते थे, रहने की जगह बनाते थे, और विंटर में वो कहाँ छिप जाते थे। जब भी वो उन बर्ड से मिलता था समर में, विंटर में, तो उनसे बातें करता था और उनसे सब चीज़ें जानता था। तो उन्हें क्या कहते थे? हियवथा'स चिकन। हियवथा'स चिकन मतलब प्यारे हो गए, चिकन मतलब एक तरह से वैसे तो मुर्गी और बच्चों को कहते हैं, तो वो हियवथा'स के करीब थे लोग। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे क्या बोला है। ऑफ ऑल बीस्ट ही लर्न द लैंग्वेज, लर्न देयर नेम एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजिस, वेयर द स्क्वैरल्स हिट देयर एक्रोन्स, हाउ द रेनडियर रेन सो सॉफ्टली, व्हाई द रैबिट वॉज सो टिमिड, टॉक्ड विद देम व्हेन एवर ही मीट देम, कॉल्ड देम हियवथा'स ब्रदर। तो वो सारे बीस सारे जानवरों की लैंग्वेज को समझ गया था, उनके नाम, उनके सीक्रेट उसे पता थे। उसे ये पता था कि जो वीवर्स होते, जो शिकारी होते, वो अपना भाला, एक तरह से जो शिकार करने का उनका जो हथियार होता है, उसको कैसे तैयार करते हैं। स्क्वायरल अपने बीजों को कैसे छुपाती है। रेनडियर जो होते हैं, बारहसिंगा जो होते हैं, वो कैसे सॉफ्ट तरीके से भागते हैं। रैबिट क्यों इतना डरपोक होता है। वो उनसे सबसे बात करता था जब भी वो उनसे मिलता था, और उन सबको क्या कहते थे? हियवथा के ब्रदर, हियवथा के भाई कहते थे उन्हें। ये पोएम अच्छी है, देखिए इसमें कुछ है। हु वॉज हियवथा? हियवथा कौन था? एक इंडियन बॉय था। हु वॉज नोकोमिस? नोकोमिस कौन थी? उसकी ग्रैंड मदर। वट डिड ही लर्न अबाउट द बर्ड्स? उनने बर्ड्स के बारे में क्या क्या जाना था? उनके सीक्रेट्स, उनके नेम, कहाँ वो समर में नेक्स्ट बनाते हैं, कहाँ वो विंटर में छुप जाते हैं, कई सारी बातें। वट सीक्रेट डिड ही लर्न अबाउट द बीस्ट? उन्होंने बीस्ट के बारे में क्या सीक्रेट जाने थे? यही कि स्क्वायरल अपने एक्रोन्स का छुपाती है, रेनडियर सॉफ्टली कैसे भागता है, रैबिट सो टिमिड क्यों होते हैं, है ना, उस तरह से वो जाना था। उसके बाद देखिए, ये एक गेम है, ये एक गेम है जिसमें आप सर्कल में बैठेंगे। पहले आप एक बच्चे के ईयर्स में कुछ बात कहेंगे और वो सब तक पहुंचनी है, तो वो देखना वो बात कितनी चेंज हो जाती है। इसमें ये दिखाया गया, इसमें ये आप कलरफुल कुछ भी आप कलर भर के इसे सुंदर सा कर सकते हैं। ये इस तरह से आपकी एक्सरसाइज हैं जो आपको बता दी जाएंगी। आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगेगी, और इसकी एक्सरसाइज सब आपको बता दी जाएंगी। जो भी डाउट होंगे आप अपनी क्लास में इससे पूछ सकते हैं। थैंक यू।